फरीन उतरो आने जरा, खाला को उठा दो बेटा। खाला आज लास्ट डे है, कल चली जाएंगी। फरीन उठ जा बेटा। हाँ खाला अभी सो रही है, यहाँ पे हानिया उठ गई है। हानिया खाला को उठा दो, खाला को प्यार से उठा दो। खाला उठ जाए आप प्लीज, खाला आप उठ जाए, मुझे आपके साथ पूरा दिन स्पेंड करना है, इंजॉय करना है। हाँ मेरा प्याला बच्चा माशाल्लाह। परो परो हानिया खाला के पेट्टू पे बैठ जाओ, तो जरा खाला के पेट्टू पे बैठेगी। फरीन हानिया ने पौटी की है, ठीक है अब तुम्हारे पेट्टू पे बिठा देती हूँ, ये लो। टेडिंग 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 टेडिंग, चलो चलो उठो उठो उठो, बहुत टाइम हो गया है। फरीन इतना बज रहा है तुमको पता है, मैं दिखाती हूँ तुमको, बज रहे 10:45, उठ जाओ बेटा, बहुत टाइम हो गया है, सब नाश्ता वाश्ता कर चुके हैं, बस तुम्हारा वेट हो रहा है। चलो आओ, गुड गर्ल, चलो गुड। खाला उठ गई है, ये क्या हो रहा है? हाँ अले बबले, का खेल रही है? इसमें से हानिया बनाओ फरीन, एच से हानिया। फरीन तुम्हारा लास्ट डे है ना, कैसा लग रहा है? इधर देखो जरा, कैसा लग रहा है तुमको? क्या अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अभी तो बोल रही थी नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है। तो जाओगी सबसे ज्यादा किसको मिस करोगी? हानिया को मिस करोगी? फरीन का आज लास्ट डे है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक व्लॉग में बना लूं कि फरीन का लास्ट डे है। फरीन की सब शॉपिंग हो गई है, डिनर विनर सब कुछ हो गया है हमने कल रात में। फरीन कल रात में मज़ा आया था तुमको? बहुत मज़ा आया ना, वो भी व्लॉग बहुत ही जल्द मैं अपलोड करने वाली हूँ डिनर का, है ना। हानी देखिए, हानी की हरकतें सब फेंक रही है। गाइस फरीन ने नाश्ता कर लिया है, नाश्ते में मैंने अंडे की भुर्जी बनाई थी और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आम रस। फरीन को बहुत पसंद है आम रस पीना, तो अभी वो नहाने गई हैं, तब तक मैं आम रस बना देती हूँ। फरीन हानिया हम सब लोग मिल के पी लेंगे। यहाँ पे मेरा आम रस बन के तैयार हो गया है, तो देखते हैं फरीन नहा के निकली तो उसको देती हूँ। मैं हमजा को देख के आती हूँ। यहाँ पे ये हानिया का छोटा सा ग्लास जो आप देख रहे हैं, ये हानिया के लिए, तो हानिया को भी बहुत पसंद है आम खाना, आम रस पीना, तो उसे भी पिलाती हूँ मैं। फरीन नहा के निकल गई हो? नहीं आपको भी दे रही हूँ फरीन, ये तुम्हारा आम रस तुम्हें पसंद है ना, चलो पी लो। हानिया तुम्हारे लिए भी ला रही, रुको बेटा। हानिया भी नहा चुकी है, है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। हानू नहीं खोलो ऐसा बेटा, नहीं खोलो। हानिया के नोज़ पे पता नहीं क्या लग गया है, यहाँ पे शायद अपने नाखून से उसने मार लिए या किसी चीज़ से लग गया है, है ना हानू। खाला कहाँ जा रही है? खाला को बोलो नहीं जाए, खाला देखो वहाँ पे क्या कर रही है। आया खाला आ जा। फरीन देखो हानिया कैसे रोक रही है तुमको, कैसे रोकोगी बेटा खाला को? आजा आजा, नहीं आयशा पा दे दो बेटा, खाला को पा दे दो, इतना दूर से पा नहीं उठा है। अली अली बबली अली बबली, दूर से ये फ्लाइंग किस हो रहा है मेरा प्यारा बच्चा। चलो आ जाओ, तुम मैंगो शेक पी लो, ठीक है ये लो। आने अच्छा लगा हानिया? अच्छा है, अच्छा है, हानिया को बहुत पसंद है मेरा प्यार। मैंने वॉशिंग मशीन लगाया है और इतना सारा मुझे कपड़ा धोना है, इसमें से फरीन का भी कपड़ा धोना है क्योंकि आज सूखना बहुत ज़रूरी है, पैकिंग करना है फरीन की। हानिया हानिया की अलग ही मस्ती, हानिया फरीन देखो देखो ये सुई का पूरा डब्बा खोल रही है, देखो हानिया नहीं करो राजा बेटा, नहीं जल्दी बंद करो ड्रॉवर ताकि मैं, तुम इसको संभालो फरीन, मैं जा रही हूँ थोड़ा काम कर लेते किचन का, ठीक है। क्या खाओगे आज तुम? हो गया पी के, क्या खाओगे आज तुम बता दो? वैसे तो मैं सोच रही हूँ तड़ी बना दो, तुमको हाँ, पसंद है ना हाँ, कि चिकन खाओगी? हाँ वैसे भी कल रात में तो बहुत ही तुम डिनर करके आई हो, है ना, मज़े करके। लेकिन यार केक छूट गया ना। चलो कोई नहीं, आज मैं तुम्हारी जीजू को बोलती हूँ केक लेके आएंगी तुम्हारे लिए।
सो गाइज यहाँ पे मैं तहरी बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने प्याज डाल कर लिया था, गोभी आलू डाल दिया है, सारे मसाले से हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला सब कुछ डाल दिया है। और मैं अब यहाँ पे टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर डाल के मैं इन्हें कम से कम 5 से 6 मिनट ऐसे रख दूँगी जब तक टमाटर नहीं गलेगा। बेटू बेटू अम्मा की जान सब परेशान हो रहा है बेटा मेरा, क्या हो गया? सुनो क्या अनिल मिला बच्चा, बस मम्मा ले रही है, मम्मा ले रही है आपको, एक मिनट। हाँ बस बस हो गया, मेरा बेटा ले आ जाओ, गुस्सा गुस्सा हो गया मेरा बेटू, शॉली मम्मा शॉली आ जाओ, अली मेरा बच्चा ले मम्मा शॉली, भागो 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 भागो। क्या हुआ अनफरीन, भूख लग गई है? अभी तो सिर्फ करीबन 2 भी नहीं बजा है। चलो ठीक है, खुशबू आ रही है अच्छी। अच्छा तो यहाँ पे बस मेरा आलू हो गया है। हाँ आलू हो गया। हाने तुम्हारी बहुत तेज आवाज है, सिट्टी जैसी हो गई तुम्हारी आवाज। देखो इनको फ्रिज खोल दो, सब चाहिए इनको। हाँ अब मैं इसके अंदर चावल डाल रही हूँ, आलू हो गया है तो अब पानी डाल के इसको अच्छे से बॉईल करूंगी। अब फास्ट फ्लेम पे इसे बनाना है तब तक इसका चावल सूख ना जाए, मतलब पानी सूख ना जाए चावल का। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी पानी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और फास्ट फ्लेम पे इसे मैं बॉईल करूंगी। और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है थोड़ा मिर्चियाँ ऐसे, मतलब थोड़े लंबे लंबे कट करके। क्या हुआ बेटा? अच्छा नहीं ठीक है, यहाँ पे हानिया मेरे गोदी में है और मुझे यहाँ पे खाना भी बनाना है। अब किसी के पास ये लड़की नहीं जा रही है। हाँ क्यों नहीं जा रही हो, कब से रोए जा रही हैं? बना लो थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा बना लो मम्मा, बस बस 2 मिनट नीचे उतर जाओ बस, ठीक है? दो मिनट मामा, बस 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 परिन जरा ले लो बेटा। और ले मेरा बच्चा, ले ले लो ले लो। और ले नहीं नहीं नहीं, अरे क्या है कि देखो क्या मामा खाना बना रही है, खाना बना रही है। अच्छा अभी इसे बालकनी में लेके जाओ। सो गाइज यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका पानी ऑलमोस्ट सूख गया है, तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा ये जो बटर है ना वो डाल दे रही हूँ। और इसके अंदर बटर डालने के बाद मैं थोड़ा सा, अगर आपके पास घी है तो वो भी डालिए, मैं यहाँ पे दोनों डाल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है घी का भी, तो मेरे घर में सब घी खाते हैं इसलिए मैं डाल रही हूँ। और जब थोड़ा बहुत पानी रह जाए ना तभी आप ये सब डालिएगा ताकि अच्छे से ये मिक्स हो पाए। और इस टाइम पे आप नमक चेक कर लीजिएगा प्लस इसके अंदर धनिया कोथमीर जो भी आपको डालना हो वो डाल लीजिएगा। चलिए मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। सो गाइस यहाँ पे जो मेरा ये पुलाव कह लीजिए या तड़ी कह लीजिए, तो ये इसका पानी ऑलमोस्ट सूख गया है, तो अब मैं इसे स्लो फ्लेम पे एटलीस्ट 10 मिनट तक मैं पकाऊंगी, तब ये पक जाएगा और उसके बाद हम सर्व करेंगे दही से या तो हरी चटनी से भी खा सकते हैं। इतना सारा कपड़ा मुझे धोना है, बाप रे इतना टाइम हो गया है। क्या हो गया इतनी जिद्दीपन? हाँ मम्मा अभी आ रही ना, 5 मिनट दो मम्मा को, उसके बाद मम्मा आपको ले लेगी बेटा। पर इन जरा इसको देख लो ना सिर्फ 10 मिनट के लिए, ठीक है? उसके बाद मैं आती हूँ। नहीं मेरा बच्चा नहीं रो, खाना खा रहा हूँ, आप खाना रखी ना। अच्छा ठीक है चलो गाइस, यहाँ पे मेरा वेज पुलाव बन के तैयार हो गया है। चलो हमजा फरीन दोनों ले लो, हमजा क्या हो गया बेटू? हाँ रोना आ रहा है तुमको, मम्मी खाना नहीं खाए, मम्मी सारा काम करी, खाना बनाए, कपड़े धोए, तुमको नहलाए धुलाए सब कुछ करे, फिर मम्मी खाना नहीं खाए। हाँ हो वो देखो खाना भी मेरे मम्मी को भी निकालना है, चलो मम्मी खाना निकाल रही, ठीक है? बस मम्मी इतना ही खाएगी बेटा, हमसे पकड़ो इसको। ओहो यहाँ पे हम सब खाना खाने बैठे हैं अनु। अच्छा कैसा बना हमसे? अच्छा अच्छा बनाए, टेस्ट कैसा है? तड़ी के जैसा है। अच्छा परिन तुम खाओ, कैसा बना है? बहुत अच्छा। पक्का एक निवाले में पता चल गया तुमको? चलो मैं खा के मैं ऑनेस्टली बोलूंगी कैसा बना है। चलो अब मैं ट्राई करती हूँ, फोन छीनो रुको। चटनी की वजह से ज़्यादा अच्छी लग रही है, वरना नमक कम है थोड़ा सा, है कि नहीं? सब लोग बोलो नमक थोड़ा कम है कि नहीं?
चटनी की वजह से सही लग रही, तुमको सही लग रही है? अच्छा देखो, बिना मोबाइल के किसी को खाना नहीं खवाएगा। हाँ सब मोबाइल से बेटू खाना मोबाइल ले ली है। हाँ चाचू भी मोबाइल देखते हैं, देखो कैसे छुपाए हुए हैं। हाँ यहाँ खाला भी पीछे मोबाइल छुपा ली है। चलो मैं खाने जा रही हूँ। आनिया जा रही है मोबाइल लेने, खाला नहीं दे रही है और गुस्सा आ रहा है आनिया को खाला के पास। आली मेरा बेटा ले। चलो ठीक है, चलो खाना खाते हैं। बिस्मिल्लाह। अरे एक दो गोली खा जाओगी थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। मेरा बेटा बहुत प्यार से गोली मारता है। पानी पी लो खाला, गोली मार के पानी देगी। मेरी बेटी शरीफ बनेगी, शरीफ। नो हनी, खाला के साथ नहीं। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। क्या हो गया बेटू को, क्या हो गया सोना मोना? हानिया सो गई है माशाल्लाह से, जब जागती ना ऐसा लगता बस तूफान आ गया है घर में। क्या लाई है फरीन? आइसक्रीम ला दो। यहाँ पे हम पैकिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं फरीन के लिए। यहाँ पे फरीन की पैकिंग हो गई है, वो भी आधी हुई है और फरीन का बैग छोटा पड़ गया है। और यहाँ पे मिठाई लेके आए हैं और ये एक लेके आए हैं जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, खजूर पान। ये जा रही मैं चाय बनाने और अभी हनिया के अबू भी आ गए हैं, तो हनिया अभी तक सो रही है, ये तो अच्छी बात है। अभी थोड़ी देर में उठ जाएगी तो मैं चाय बना लेती हूँ और उसके बाद हम लोग नीचे जाएंगे। फरीन मेहंदी भी लेके आए, मेहंदी लगा दूँ? हाँ चलो थोड़ा मेहंदी लगा देती हूँ, उसके बाद मैं पहले चाय रखती हूँ उसके बाद मेहंदी लगाती हूँ, फिर नीचे चलते हैं ठीक है। सो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं अराउंड 6:30 और मैंने चाय भी बना दिया, तो यहाँ पे मैं फरीन को मेहंदी लगा रही हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे मेहंदी लगाई है। सो गाइज ये मैंने मेहंदी लगाई है फरीन को। सो मैंने इतना कुछ प्रोफेशनली सीखा नहीं है, जो कुछ भी आता है मैं वो लगा देती हूँ और कहीं से कॉपी नहीं करती, जो भी दिमाग में आता है वो लगाती हूँ। तो अभी बस इतना सा ही बाकी है। तो ये भी ऑलमोस्ट, यही पता है मेहंदी लगाते समय ये प्रॉब्लम होती है, पता जब मेहंदी नहीं निकलती ना तो बहुत ज़्यादा वो होता है। हाँ अब थोड़ी सी निकल गई है, चलो लगाते हैं। फरीन को बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, फरीन कह रही है अभी काश ये छुट्टियाँ और ज़्यादा होती, बहुत जल्दी छुट्टियाँ चली गई है ना फरो। उसका मुँह देखो कितना छोटा सा हो गया है सोच सोच के, पर कोई नहीं यार, नेक्स्ट टाइम फिर आ जाना ठीक है, फिर हम मस्ती करेंगे ढेर सारी। तो चलो यहाँ पे मैं एक बार और मेहंदी दिखा देती हूँ, है ना ठीक ठाक लगी है ना? चलो बहुत अच्छी लगी, चलो ठीक है। सो गाइस यहाँ पे फरीन की मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है फ्रंट के साइड पे, और पीछे के साइड पे मैं रात में सोते समय लगाऊंगी। कैसा लगा तुमको फरीन मेहंदी? बहुत अच्छा। ठीक है, हानू मेरा हानू उठ गया, मेरा बाबा हानू उठ गया है। अरे तुम इतना अच्छे से बैठी हो, गाना तुम्हें बड़ा अच्छा लग रहा है ना? मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले, ला 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 ला। डुड्डू पी गया अपना डुड्डू। हाँ खाला पूरा कंप्लीट कर रही है, वेरी गुड खाला, क्लैप क्लैप। नो खाला की मेहंदी खराब हो जाएगी, नो शोनू मोनू। चलो आ जाओ, मोमोज आया है। हाँ चलो खोलो हंजा। फरीन तुम्हारे लिए मोमोज आया है, हैप्पी? हाँ अने तुम्हारे लिए मोमोज आया है, ये चप्पल पहन के कहाँ रेडी हो गई जाने के लिए? हाँ खोलो हानिया, मोमोज खाना है, मोमोज खाओगी। फरीन और हमजा का फेवरेट, हमजा तुम भी खाओगे मोमोज? खा लूंगा, आज यहाँ तो खाना पड़ेगा। नहीं आज तुम मत खाओ, डॉक्टर ने मना किया है, बाहर का खत्म हो जाएगा, मैं खत्म कर। चलो अच्छा ठीक है, तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो खा लो, अब क्या कर सकते, खाओ। तुम भी खाओगी? आप नहीं खाओगे? चलो हम लोग खा लेते हैं, चलो चलो स्टार्ट करते हैं खाना मोमोज। वाओ एक का करना है, दो मेहंदी लगा के कौन खाता है? हाँ मोमोज के सामने कुछ नहीं दिखता है। हाँ सब मेहंदी के पेट में, ये भी मोमोज की दीवानी हो गई है, देखिए मोमोज खाएंगे मोमोज।
बहुत अच्छा। सो गाइस अब मैं बनाने जा रही हूँ मोहब्बती शरबत। जैसे कि आप देख रहे हैं कलंगड़ यहाँ पे मैंने कट कर लिया है, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रखा है, ऊपर से कट करके डालूंगी, थोड़ा सा यहाँ पे मैं ग्राइंड करके डालूंगी। तो सच बोलूँ बहुत ही मीठा कलंगड़ है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। तो चलिए तो मोहब्बती शरबत बना लेते हैं। मैंने दूध ऑलरेडी बॉयल कर लिया, उसे ठंडा कर लिया है। सो गाइस यहाँ पे मैंने दूध बॉयल कर लिया है, अब मैंने इसके अंदर कलंगड़ जो मैंने पीसा हुआ था उसे मैं डाल दूंगी। और यहाँ पे दूध मेरा ठंडा हो गया था तो इसे मैंने डाल दिया है। और इस कलंगड़ को मैं स्मॉल स्मॉल पीसेस करके इसके अंदर डाल दूंगी, उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। जब ठंडा हो जाएगा तो सच माने बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मैंने दूध में ये कलंगड़ डाल दिया है, वाटरमेलन, और उसके बाद यहाँ पे मैंने सब्जा भिगा के रखा था तो इसे भी मैं डाल दूंगी। और जब मैं दूध बॉयल कर रही थी ना तभी मैंने उसमें अंदर शुगर डाल के उसे बॉयल कर लिया था। अब मैं इसे रख दूंगी ठंडा होने के लिए, कम से कम अगर जल्दी में है तो हाफ एन आवर्स रख दीजिए फ्रिजर में, वरना आराम से एक घंटा रखिए, बहुत ही अच्छे से ठंडा हो जाएगा, बहुत ही चिलिंग हो जाएगा और पीने में सच माने बहुत ही अच्छा लगता है। रूअब्जा ऐड हो रहा है, सुन रही है, इट्स सो टेस्टी। सो गाइस यहाँ पे हमारा मोहब्बत शरबत रेडी हो गया है और हम चल रहे पीने, बहुत ही ठंडा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। चले खाने का भी ले लीजिए, लेट्स गो, प्लीज ले लो, थैंक यू बेबी। हानिया पियो, आपको कैसा लग रहा है बेटू? हानिया को तो बहुत पसंद है, हानिया का फेवरेट है ये। कैसा है? बहुत अच्छा है। आपको कैसा लगा? अच्छा है, बहुत अच्छा बना यार, सच में बुला लो। मैं भी टू भी पी लिया। सो गाइस 12:30 बज रहे हैं रात के और हम खेल रहे हैं लूडो। सो फरीन का आज लास्ट डे है और लास्ट टाइम लूडो खेल रहे हैं हम लोग। आर यू एक्साइटेड? तुम्हें लगता तुम जीतोगी? लेट्स सी कौन जीता एंड में। चलो, बहुत ही टफ सिचुएशन चल रहा है, फरीन आ गई है फर्स्ट, लेट्स सी कि कौन जीतता है। जीत तो गई है फरीन। अरे इनका एक आई नहीं रहा है कब से। लेट्स सी, फरीन यू फर्स्ट, सेकंड, ये फाइनली फरीन जाते जाते जीत गई, उसके बाद उनके जीजू, फिर मैं, हमजा, कोई बात नहीं तुम पीछे से फर्स्ट आए हो, है ना हानी? हानी मेरी फर्स्ट। मैंने फरीन के बैक साइड पे भी लगा दिया, फ्रंट साइड पे दिखाओ फरीन चढ़ाई कि नहीं दिखूँ। हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा चढ़ गया है, सिर्फ एक घंटा उसने हाथ पे रखी थी, बहुत अच्छी मेहंदी थी। तो यहाँ पे सुबह सुबह मसाला डोसा आ गया है नाश्ता करने के लिए और फरीन तैयार हो गई है, नाश्ता कर रही है। चलो। सो गाइस यहाँ पे फरीन रेडी हो गई है निकलने के लिए और अभी बज रहे हैं अराउंड 9:30, तो 10-15 मिनट में ये लोग अभी निकल जाएंगे। मैंने दिखाओ अपना कितना अच्छा चढ़ा है ना, दिखाओ कलर। अरे वाह, अब वो वाले में बहुत अच्छा चढ़ा है मेहंदी। चलो ठीक है। सो गाइस यहाँ पे सारी पैकिंग हो गई है, फरीन यहाँ पे ये भी तैयार हो गए हैं। सो गाइस फाइनली टाइम आ गया है फरीन के जाने का, अब जा रही है फरीन। चलो कोई नहीं, अगले टाइम आएगी, जल्दी आएगी, जैसे नेक्स्ट वेकेशन होगी तुम जल्दी आओगे, ठीक है? अच्छे से रहना, ठीक है? पढ़ाई अच्छे से करना, मेन पढ़ाई अच्छे से करोगी तो मुझे बहुत प्राउड फील होगा, ठीक है? टेंशन मतलब किसी चीज़ का। हनू कल जा ली भी तू? हने को आज बड़ा नींद आ रहा है, नहीं उसने क्या बाबू को क्या? शायद तुझे जाते हुए देख नहीं पाएगी इसलिए सो रही है। मेरे सुनु मुनु सो रहा है, अच्छा बेटा। हानू हानू उठ जाओ, बेटू बेटू अभी उठ जाएंगे, अभी उठ जाएंगे। अली बबली खाला कुछ पक्की सो गई मेरा सोनू।
चला जा रही अनु। अरे मिला बच्चा, ले नींद में भी खाला को गले लगा लिया। अली अली खाला जा रही है। अन्नी मेरा सोनू मोनू चाला है क्या खाला के साथ? परिन तुम जा रही हो ना, हानिया को बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। हानिया तुमको ढूंढेगी, कहाँ गई खाला? हाँ उसको बोल दो कि मैं आऊँगी, जल्दी आऊँगी। आप असली वाला कबूतर लेके आना। हानु मामा भी जाए खाला के साथ, चलो हम लोग भी चलते हैं। चले हम लोग। सूटकेस में भरोगी? सारा कपड़ा निकाल के तुमको फेंकना पड़ेगा, फिर इसको सूटकेस में लेके जाना। और उसके बाद मैं क्या करूँगी? आपको बुक करना पड़ेगा। नहीं आपको भी लेके जाऊँगी मैं, लगेज में आ जाऊँगी। ये मिले शनु मुनु, खाला जा लिए ठीक है, अब नहीं दिखेगी खाला। खाला घर जा रही है अपने, समझे तुम? नहीं खाला बेटा जा रही है, अब अगले साल आएंगी। खाला जब क्लास में फर्स्ट आएंगी तो अगले साल ज़रूर आएंगी, फर्स्ट नहीं आई तो अगले साल नहीं आएंगी। चलो अपना ख्याल रखना ठीक है, अच्छे से रहना, और कोई भी ज़रूरत हो मुझे फ़ोन करना ठीक है। चलो आधार कार्ड रख लेना। हाँ आधार कार्ड रख लो ठीक है। चलो चलो ख्याल रखो अपना। बुरा लग रहा है परिन जा रही है, अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है। परिन को तो बिल्कुल जाने का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करे, स्टडीज है तो जाना ही पड़ेगा। यही दिखा के तुमको एंट्री मिलेगी। ओके तुम्हारी बीच की सीट है। ओके बीच ही है, 30D है। अगली बार में तो यही मिली सीट। हेलो जा रही है, अब आने को मैं समझ में नहीं आ रहा, तुम चले जाओगे ना तब समझ में आएगा। खाला को बाय बोल दो। बाय खाला, पा दे दो खाला को, पा दे दो हने, पा दे दो, पा दे दो, पा दे दो, पा दे दो। सो क्यों उठिए, नहीं लेंगे एक पा एक पा एक पा। परिन को छोड़ के आ गए हैं, घर कितना खाली खाली लग रहा है ना, ऐसा लग रहा सुना सुना, कोई एक भी जन चला जाते हैं ना तो घर एकदम सुना सुना लगने लगता है। परिन चली गई, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मतलब जैसे ही मैं घर में आई ना वो नहीं थी ना, अच्छा नहीं लग रहा था। इतने दिन थे हम लोग मस्ती करते थे, मजाक करते थे, मैं कुछ भी उसको बोलती थी, कितनी हंसी मजाक मारपीट सब कुछ, हमारी लड़ाई वड़ाई सब कुछ चलती थी। मतलब वो आई और चली गई, मैं बोलती थी हाँ तू जाएगी तो मुझे इतना दुख नहीं होगा, जा वैसे भी तो एक महीने के लिए आई थी ना। कोई नहीं अगले साल, अब मुझसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा है। बाय हानिया, खाला गई, खाला गई। आनी खाला को मिस करोगी? फरीन चली गई, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। देवी और सज्जनों, आपकी सुरक्षा हमारे लिए, इसलिए अब हम इस बोइंग यहाँ पे लिखा है फरो बाय, ये फरीन ने लिखा है और मैंने अभी देखा।